नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। संसदीय बोर्ड का निर्देश मिलते ही जारी होगी सूची। 5 अक्टूबर को 5 बजे घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं का होगा ऐलान। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। झारखंड बीजेपी चुनाव से प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो आपको बता दें, हिमंता का बड़ा बयान, बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली गई है। संसदीय बोर्ड के निर्देश मिलते ही सूची जारी होगी। 5 अक्टूबर को 5 बजे घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं का होगा ऐलान। बड़ी खबर, हिमंता का बयान, बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार। संसदीय बोर्ड का निर्देश मिलते ही जारी होगी सूची। 5 अक्टूबर को 5 बजे 5 घोषणा पत्र यानी कि घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं को 5 बिंदुओं का ऐलान किया जाएगा। पांच बिंदु जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है वो हम कल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा, लेकिन पहला 5 बिंदु कल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट का लिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि एक ही सूची देना है कि दो सूची देना है। अगर पहला सूची देना है तो हम लोग तैयार है, लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा सरसा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में और डेवलपमेंट आना है और कुछ चीजें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए, लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हूं। आल पास हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बीजेपी की पहली सूची है तैयार। संसदीय बोर्ड के निर्देश मिलते ही जारी होगी सूची। और आपको बता दें कि कल यानी कि 5 अक्टूबर को बीजेपी शाम 5 बजे अपने घोषणा पत्र की 5 बिंदुओं का ऐलान करेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर पहली सूची जारी करने की बात है तो हमारी पहली सूची तैयार है, बस संसदीय बोर्ड का निर्देश मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। 5 अक्टूबर को 5 बजे घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं का ऐलान होगा। झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की पहले उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार है और संसदीय बोर्ड के निर्देश मिलते ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली गई है। संसदीय बोर्ड का निर्देश मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। 5 अक्टूबर को 5 बजे घोषणा पत्र के 5 बिंदुओं का होगा ऐलान। झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हैं हिमंता। कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आसू का साथ हमारा अलायंस होगा, आसू का साथ भी एक या दो सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगना चाहिए तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है,
मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, यह अभी तक पक्का हो। कोई हुसैनाबाद और संदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है, आसू और बीजेपी का सहमति बन चुका है। संदन कियारी और हुसैनाबाद के लिए आसू का हमारा कोई तनाव नहीं है, वो स्टेज हम क्रॉस कर सकते। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी है, बस तैयार हो गई है और बस संसदीय बोर्ड के निर्देश का इंतजार। और हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है, रुचि का रुख करते हैं। रुचि, हिमंता बिस्वा सरमा ने ये तय कर दिया है और ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तस्वीरें क्लियर होती नजर आ रही है, जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कह दिया है कि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, एक दो सीटों को अगर छोड़ दे तो सहमति बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि पहली सूची हमारी तैयार है, बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के निर्देश के बाद हम सूची जारी कर देंगे। क्या क्या और कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है बताएं। बिल्कुल आयुष, देखिए अब मात्र चंद दिनों का समय बचा है। जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जो चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि अब जल्दी यानी कि 7-8 तारीख का वो समय होगा जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि पहली सूची जो है प्रत्याशियों की वो जारी हो जाएगी। वहीं एनडीए गठबंधन में जो खेमा है, एनडीए खेमा है, चाहे वो आजसू की बात हो या जदयू की बात हो, उनके साथ उनका सामंजस्य बन चुका है, कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो उनकी सूची जारी होगी, जैसे ही पार्टी के संसदीय बोर्ड है, बोर्ड से परमिशन मिलेगा तो पहली सूची क्या, अगर साथ में दो सूची और जारी करने की बातें आएंगी तो वो भी हो सकती है। तो देखिए हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा है, चूंकि पार्टी अपने मैनिफेस्टो तैयार की है और लगभग 100 से अधिक बिंदु होंगे, 140 ऐसे बिंदु होंगे, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके, यानी कि कल 5 बिंदु जो हैं, कल 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे 5 बिंदु को जारी किया जाएगा, यानी सार्वजनिक किया जाएगा। या गोगो दीदी योजना की अगर बात करें तो गोगो दीदी योजना जो है वो बीजेपी ला रही है, और ऐसे में कहना है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो पहले ही महीने से गोगो दीदी योजना का लाभ जो है वो राज्य की महिलाओं को मिलने लगेगा। ऐसे में और भी कई अन्य जो बिंदु में और भी कई अन्य चीज़ें होंगी। ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि गरीब आम आवाम, किसान हो, मजदूर हो, खास करके युवाओं को लेकर के हो, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जनता की राय लेकर के इस बार बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार की है। जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी या परिवर्तन सभा हो रही थी, इससे पहले बीजेपी के जो नेता थे या जगह जगह पर विधानसभावार या मंडल स्तर पर, उन्होंने जनता से राय ली थी, जनता की समस्याओं के मद्देनजर मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। और अब देखने वाली बात होगी आयुष की, कल 5 तारीख को 5 बजे जो मैनिफेस्टो के 5 बिंदु जारी होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो समाहित होती है। चूंकि मैनिफेस्टो में बीजेपी जो है ये कहना है कि तय समय पर, बिल्कुल रुचि, तो अब 5 तारीख यानी 5 अक्टूबर के शाम 5 बजने का इंतजार है। कौन कौन से 5 बिंदुओं को बीजेपी जारी करेगी, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई। रुचि आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर और हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान, उन्होंने कह दिया है भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची तैयार है, उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार है, संसदीय बोर्ड के निर्देश के बाद बहुत जल्द सूची जारी कर दी जाएगी। अभी उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अभी सब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जैसे ही ऐलान हो जाता है रिजल्ट का, तुरंत झारखंड के चुनाव पर सबका फोकस होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।